हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिंगना हेल्थ टिप्स में। आज का मेरा वीडियो बहुत ही कॉमन टॉपिक पे है, लेकिन आजकल के लोग इस टॉपिक को नज़रअंदाज करते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि इसके फायदे और नुकसान हो भी सकते हैं या नहीं। वो लोग बस इसको इनटेक करते रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे बॉडी में इसकी कमी है तो इसलिए मुझे इस चीज़ को फुलफिल करना होगा, इसलिए वो इनटेक करते रहते हैं, लेकिन उसके नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है विटामिन और मिनरल के फायदे तथा नुकसान। विटामिन और मिनरल ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अन्य पोषक तत्वों के साथ जरूरी होते हैं। अधिकतर विभिन्न तरह के भोजन और संतुलित भोजन करने पर विटामिन और मिनरल की पूर्ति हो जाती है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन ज़्यादातर वसा में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन शरीर में जमा नहीं रहते, इसलिए इन विटामिन को जल्दी जल्दी लेते रहना आवश्यक होता है। विटामिन सी, विटामिन बी और फॉलिक एसिड वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो चलिए मिनरल्स के टॉपिक पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। मिनरल्स तीन कारणों में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, शारीरिक ढांचे और दांतों की मजबूती के लिए, शरीर में मौजूद बाहरी सेल्स को नियंत्रित करने के लिए तथा व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। मीट, दालें, मछली, दूध तथा सूखे मेवे आदि इनकी मुख्य सोर्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट के बारे में भी जान लेते हैं। विटामिन और मिनरल्स के लाभ। पहला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कई तरह की प्रक्रियाओं के जरिए भोजन के स्टोर करके उसके पोषण तत्वों को ऊर्जा के रूप में जलाता है। ऐसे में विटामिन और मिनरल पाचन और मेटाबॉलिज्म में बड़ा रोल अदा करते हैं। सभी बी विटामिन जैसे कि विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम भी ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है हृदय को रखता है स्वस्थ, मतलब कीप हार्ट हेल्दी। रोजाना के भोजन से मिलने वाले विटामिन और मिनरल हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ ही बीटा कैरोटीन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हृदय संबंधी बीमारियों से बचाता है। तीसरा पॉइंट है स्वस्थ हड्डियों के लिए जरूरी, नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन। विटामिन और मिनरल हड्डियों के स्वास्थ्य और हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन और मिनरल ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी से बचाते हैं। विटामिन डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी के कारण ही हड्डियाँ कैल्शियम ग्रहण कर पाती हैं। विटामिन के भी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ये कैल्शियम और विटामिन डी को सपोर्ट करने का कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, अब बेनिफिट तो जान लिए, अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। तो विटामिन और मिनरल के नुकसान। डिसएडवांटेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट। विटामिन और मिनरल के लाभ के साथ ही कुछ नुकसान भी हैं। विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श लेना बेहद जरूरी है। विटामिन और मिनरल के कुछ तत्व ऐसे हैं यदि लंबे समय तक शरीर में रहे तो शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विटामिन सी की 100 मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा लेने पर पेट दर्द, डायरिया तथा अनपाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। वही फास्फोरस से उत्तक और शरीर के कई अंगों को नुकसान होने की संभावना रहती है, जबकि जिंक से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उस पर असर पड़ता है। रोजाना 10 मिलीग्राम से ज़्यादा विटामिन बी की मात्रा भी इतना नुकसान देती है कि व्यक्ति को लकवा, जिसे हम पैरालाइज भी बोलते हैं, हो सकता है। वही मैग्नीज से बड़ी उम्र ओल्ड एज में मांसपेशियां भी प्रभावित हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ।